ये बड़ी माशाल्लाह ये चल रही है खबरें, तो एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तो सब्र भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान, इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा, है, रहेगा, और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलतफहमी की बुनियाद पर तो दे कहा जा सकता है उसे, लेकिन जहाँ तक फैसले का सवाल है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है, इसलिए इमरान खान के बगैर कोई जो है तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा, या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा, या किसी और का नाम आ रहा है, सभी मोहतरम है। ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है, और इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम और तौकीर उतना ही है, लेकिन इस किस्म का ना फैसला हुआ है ना हो सकता है। सो इसलिए इमरान खान चेयरमैन पीपल्स अपना पीटीआई रहेंगे, और चेयरमैन पीटीआई ही अगर इलेक्शन का होता है उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको चैलेंज भी किया जा रहा है, और अगर उसका साइमल्टेनियसली अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाना भी मकसूद हुआ तो भी इमरान खान ही चेयरमैन होंगे पीटीआई के। सो इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने पैगाम दिया। ये बड़ी माशाल्लाह ये चल रही हैं खबरें, तो एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तो सब्र भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान, इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा, है, रहेगा, और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलतफहमी की बुनियाद पर तो दे कहा जा सकता है उसे, लेकिन जहां तक फैसले का सवाल है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है, इसलिए इमरान खान के बगैर कोई जो है तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा, या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा, या किसी और का नाम आ रहा है, सभी मोहतरम है। ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है, और इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम और तौकीर उतना ही है, लेकिन इस किस्म का ना फैसला हुआ है ना हो सकता है। सो इसलिए इमरान खान चेयरमैन पीपल्स अपना पीटीआई रहेंगे, और चेयरमैन पीटीआई ही अगर इलेक्शन का होता है उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको चैलेंज भी किया जा रहा है, और अगर उसका साइमल्टेनियसली अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाना भी मकसूद हुआ तो भी इमरान खान ही चेयरमैन होंगे पीटीआई के। सो इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने पैगाम दिया।